दिस इज फोन पे कस्टमर केयर सर्विस से, ओके। आपका नाम क्या है सर? जी सर, मैं विश्वनाथ मलिक बात कर रहा हूँ सर। नहीं सर, ऐसे तो पैसा कट जाता है ना। डोंट वेरी, आपका एक भी रुपए पैसा नहीं कटेगा। मैं अभी कॉल पे हूँ ना सर, डोंट वेरी, ओके। सर माँ कसम खाइए, पैसा नहीं कटेगा। सर भगवान कसम खा के बोल रहा हूँ सर, आपका पैसा नहीं कटेगा सर। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वर्मा ब्लॉग्स। दोस्तों आज है संडे और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और दोस्तों जैसे कि फ़ोन पे फ्रॉड कैसे होता है, आपको फ़ोन पे फ्रॉड से कैसे बचना है, फ़ोन पे अकाउंट अगर आप लोग का है तो उसमें से आपका पैसा कैसे हैक होने से आपको बचना है, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा। लाइव कॉल करूँगा जो हैकर्स होते हैं, फ़ोन पे जो फ्रॉड कस्टमर केयर होते हैं। तो वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहना आप लोग। और इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो। हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर जी। सर फोन पे कस्टमर केयर? यस सर। अच्छा सर, देखिए ना, मेरा दो परेशानी है जी। एक तो पहला, मतलब मैंने कल रात को अपना एक दोस्त को 2000 मैंने भेज रहा था सर, ठीक है जी सर। तो यहाँ से पेंडिंग दिखा दिया है, पैसा भी कट गया है जी। और दूसरा प्रॉब्लम यह है कि सर बहुत दिन से कुछ ऑफर नहीं मिला है। ओके सर, आपका फोन पे रजिस्टर्ड नंबर यही है? हाँ सर यही है। कौन सा बैंक अकाउंट अटैच है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक ही बैंक अकाउंट अटैच है सर? हाँ हाँ। आपका अभी अवेलेबल प्रेजेंट बैलेंस क्या बता रहा? पैसा तो है सर। क्या बता रहा सर? मतलब है सर, हजारों में है, मतलब है। ओके। क्या सर? आपका शुभ नाम सर? सर थोड़ा जोर से बोलिए सर, आपका शुभ नाम बताएंगे हमें। अच्छा। कंप्लेंट लिखना पड़ रहा है। जी जी जी, कंप्लेंट। हाँ, अजय वर्मा सर जी। अजय वर्मा जी, अभी आपको 5 मिनट में कॉल बैक किया जाएगा हमारे सीनियर अधिकारी द्वारा, ठीक है सर? अच्छा ठीक है सर। दोस्तों 5 मिनट बाद इसने मुझे कॉल ब्रेक करेगा, देखते हैं क्या कॉल करके क्या बोलता है। और इसने ऐसा बोला कि इसका सीनियर अधिकारी मुझे कॉल करेगा, तो चलो मैं भी देखता हूँ आज कौन आता है मुझसे बात करने। तो आप लोग थोड़ा वेट करो, ठीक है? दोस्तों ये देखिए कॉल ब्रेक आ चुका है, तो चलो सुनते हैं ये क्या बोलता है उसका सीनियर अधिकारी, आप लोग सुनो। हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, गुड मॉर्निंग जी। सर मैं फोन पे से कस्टमर सर्विस बात कर रहा हूँ सर, राहुल शर्मा से। हाँ सर। हाँ जी सर, बताइए सर, आपको किस प्रोग्राम की जानकारी चाहिए सर? सर मेरा फोन पे से जी मैं अपने एक दोस्त को 2000 रुपए भेज रहा था जी। ओके सर। तो आज लगभग एक दिन से ज्यादा हो गया, अभी पेंडिंग में है सर वो जी। सर मैं जान सकता हूँ सर आपका फोन पे में कौन से बैंक अकाउंट ऐड किए हुए हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके सर, एक बैंक अकाउंट ऐड है, टू बैंक अकाउंट? क्या सर? सर एक बैंक अकाउंट ऐड किए हैं या टू बैंक अकाउंट ऐड किए हैं? एक ही बैंक है सर। एक ही बैंक है ना? हाँ। ओके सर, जैसे कि इसमें मैं जानकारी देना चाहूंगा सर, आप जब 2000 अपना फ्रेंड के पास यहाँ पे भेजे थे सर। क्या सर? आप अपना फ्रेंड को 2000 रुपीज भेजे थे ना सर? हाँ हाँ। ओके सर, जैसे कि मैं कितने तारीख को ये ट्रांजेक्शन किया था? ये मैंने कल ही किया था सर। कल की डेट में किया था? कल सुबह किया था। हाँ। ओके सर, तो जैसे कि सर अभी तक ये आपका पेंडिंग में पड़ा हुआ है, बैलेंस आपका ना ही आपके वाला में आया है ना ही वो ट्रांसफर किया गया है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके सर, बिल्कुल मैं समझ गया सर आपका प्रॉब्लम। बिल्कुल सर, आपका पेंडिंग बैलेंस जो भी है ये आपका रिफंड आ जाएगा, आपके अकाउंट में रिकवर किया जाएगा, ठीक है? आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर। सर आपका जो बैलेंस कटा है ना सर, हाँ, वो आपका रिफंड रिकवर किया जाएगा आप ही के अकाउंट में, ठीक है सर? प्लीज सर जल्दी से करवा दीजिए ना सर, मुझे दुकान सर, भी जाना है। हो जाएंगे सर, मैं इतना बता दीजिए, आप जब ट्रांजेक्शन किए थे उस टाइम सर आपका अकाउंट में से अवेलेबल पर्याप्त बैलेंस क्या बता रहा था? मतलब सर जितना भी था उसमें 2000 कम है सर अभी।
सर आपको वन एप्लीकेशन डाउनलोड करना है सर, ठीक है सर, इतना कुछ तो मुझे आता ही नहीं है सर। ये आपका बैलेंस ट्रेंडिंग हो गया था, ठीक है ना सर? अच्छा जी सर, तो जैसे कि आप प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिए, अपना मोबाइल का प्ले स्टोर को, मैं एप्लीकेशन नाम आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, सर थोड़ा जल्दी कीजिए, मुझे दुकान जाना है। सर जल्दी हो जाएंगे सर, इसमें थोड़ा तो समय लगेगा ना सर। हाँ सर, बहुत मतलब प्रॉब्लम हो रहा है सर, उधर पैसा भी अटक गया है और इधर दुकान में काम भी है सर। ठीक है सर, अभी सर आप एक काम कीजिए सर, मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन कीजिए आप। हाँ ओपन किए सर। हाँ तो उसके बाद सर देखिए सर, वहाँ पे टाइप कीजिए ANYDESK DESK हाँ, एनी डेस्क वहाँ पे आया रिमोट कंट्रोल रेड कलर में। एक सेकेंड। हाँ ये जो एनी डेस्क रिमोट कंट्रोल जो एप्लीकेशन है, इसको आप डाउनलोड करके और उसको बता देते हो, एक कोड होता है तो आपका पूरा मोबाइल मतलब रिमोट बन के उसके हाथ से चलेगा, मतलब वो पूरा लाइव देख पाएगा आप अपने मोबाइल पे क्या कर रहे हो। तो ये देखो मैं आप वही क्या कर रहा हूँ सर, मेरा नेट ही ख़त्म है सर, एक्चुअली 2G चल रहा है। एक तो आया है सर, हाँ लाल लाल जैसा है, रेड कलर में ANY। हाँ हाँ रिमोट कंट्रोल लिखा है सर। जी सर, उसको इंस्टॉल कीजिए। सर मेरा नेट तो बच्चा लोग मेरा मतलब खेल खेल के खत्म कर देता है लोग सर, 2G चल रहा है सर। वो एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करेंगे सर, तो आपका रिफंड लिंक किस में भेज देंगे सर, बताइए। फोन पे में मिलेगा ना सर? फोन पे में मिलेगा सर, वो सर्वर प्रॉब्लम की वजह से सर ये बैलेंस आपका पेंडिंग होता है ना, तो वो एप्लीकेशन द्वारा आपका बैलेंस रिफंड आएगा। उसमें क्या होता है सर, उसमें आपका नेटवर्क ज्यादा मोबाइल में कैश करता है, इसलिए मैं एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बता रहा हूँ सर आपको। सर फोन पे में मतलब फोन पे से होता है तो मतलब हो जाता सर, क्योंकि मुझे ये जो है अभी मेरा नेट भी नहीं है और क्या बताऊँ सर, नेट ही नहीं है मेरा। सर SBI यूनो आप यूज करते हैं? SBI यूनो मतलब सर पहले मतलब बैंक वाला ही खोल के दिया था, तो उसके बाद बहुत ये मतलब चलाने में आसान नहीं था, इसीलिए मैं इसको अनइंस्टॉल कर दिया। तो फोन पे गूगल पे अच्छा लगता है चला के सर, बहुत आसान तरीका है, तो इसीलिए मैं उसी को चलाता हूँ। जी मतलब नेट बैंकिंग आप नहीं यूज करते क्या? नेट बैंकिंग में सर यही फोन पे गूगल पे चलाता हूँ। जी सर, जिस टाइम सर आपने आपका जब बैलेंस जब आप ट्रांसफर कर रहे थे, हाँ हाँ, उससे पहले आपका बैलेंस अवेलेबल कितना बता रहा था? अच्छा 23,000 था सर, 23,000 कुछ 53 रुपया था जी, यानी कि 23,000 में आपका 2,000 रुपीज कट गया है। हाँ पेंडिंग में दिखा रहा है सर, सक्सेसफुल भी नहीं दिखा रहा है और सेंड भी नहीं दिखा रहा है। जी, पेंडिंग हो गया है ना। हाँ ओके सर, जैसे कि सर मैं बताना चाहूंगा सर, आप लाइन पे रहेंगे 1 मिनट, ठीक है? हाँ हाँ, मैं आपको दूसरे सिस्टम से आपका रिकवर कर रहा हूँ बैलेंस को, ठीक है? लाइन पे रहेंगे। ठीक है सर, ठीक है, अभी देखते हैं ये क्या टेक्निक यूज करता है। आप लोग बस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहो, और दोस्तों ये रिस्क मैं आप लोगों के लिए उठा रहा हूँ, बस आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहो और देखते रहो कि फोन पे फ्रॉड कैसे होता है, आप लोग को कैसे बचना है, तो वीडियो में आप लोग बने रहिए। देखते हैं अभी ये क्या बोलता है उठा के। सर आप लाइन पे हैं? हाँ जी सर लाइन पे। ठीक है सर। जी सर, आपका दूसरे सिस्टम से मैं बैलेंस को रिकवर कर रहा हूँ, आप लाइन पे रहेंगे, ठीक है? हाँ हाँ सर, सर मिल जाएगा ना? हाँ जी बिल्कुल सर, अभी तुरंत मिल जाएगा सर, रिफंड आ जाएगा, ठीक है लाइन पे। ठीक है, और एक बात है सर। हाँ जी सर। मतलब मैं 6-7 महीना से फोन पे चला रहा हूँ जी, और अभी तक मुझे कोई कैशबैक ऑफर पैसा वैसा नहीं मिलता है सर, मेरे दोस्त लोग को बहुत सारा मिलता है। सर मैं यहाँ से रिक्वेस्ट आप पर डाल देता हूँ कैशबैक का, ठीक है? ठीक है सर, रिक्वेस्ट डालेगा। अप्लाई करिए, मैं आपका बैलेंस को रिकवर कर रहा हूँ, ठीक है?
ठीक है सर, फोन पे नंबर यही है सर आपका? हाँ सर, जिस नंबर से मैंने फोन किया है यही है फोन पे नंबर। ओके सर, ओके। सर आपका नाम क्या है? सर राहुल शर्मा सर। ठीक है सर। सर ये फोन पे आप कितने दिन से यूज करते हैं जो कैशबैक आपको नहीं मिलता है? 5-6 महीना हो गया सर। 6 महीना से आप फोन पे यूज करते हैं, कैशबैक आपको एक बार भी नहीं मिला ना? ना सर, नहीं मिला जी सर। मतलब सर आप महीने में सर कितना बार ट्रांजेक्शन करते हैं फोन पे से? बहुत कम करता हूँ सर, मतलब जरूरत पड़ता है कभी कभी, कहीं भेजना होता है तो भी, मतलब महीना में 1-2 बार 3 बार। जी सर, ठीक है सर, 1 मिनट रुकिए सर। हाँ हाँ भाई लोग, अगर आप लोगों को ऐसा कॉल या कुछ भी आता है तो आप लोगों को पूरा बढ़िया से आशीर्वाद दे के फ़ोन काट देना है। और एक बात दोस्तों, फ़ोन पे आपसे कभी नहीं पूछेगा आपके अकाउंट में बैलेंस कितना है, पहले कितना था अभी कितना है, ये डाउनलोड कीजिए वो डाउनलोड कीजिए, ऐसा कभी कुछ कोई नहीं पूछेगा। अगर फ़ोन पे कस्टमर केयर हुआ तो ऐसा कभी कोई नहीं पूछेगा कि ये डाउनलोड कीजिए ऐसे कीजिए। सर आप लाइन पे हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल लाइन पे हैं। हाँ हेलो। हाँ जी सर, देखिए इनबॉक्स पर चेक कीजिए सर, आपको एक मैसेज मिले होंगे। मैसेज? हाँ सर आया जी सर, उस लिंक को ओपन कीजिए सर। सर इतना कुछ मुझे करने नहीं आता है सर। ओनली लिंक को ओपन कीजिए, लिंक को ओपन कीजिए सर, तभी आपका रिफंड होगा ना सर बैलेंस आपका। लिंक तो है सर, लेकिन मेरा बच्चा लोग सर अभी ट्यूशन गया है, नहीं तो मैं उन लोग से करवा देता अभी। हाँ तो लिंक ओनली वहाँ पे क्लिक कीजिए, टच कीजिए वहाँ पे सर। अच्छा हाँ सर। सर क्या क्या खाली जगह इसमें दिखाई दे रहा है? क्या क्या दिखा रहा है पढ़ के बताइए। मोबाइल नंबर है सर, उसके बाद 2-3-4-5 2-3-3-4 मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल, फोन पे का मोबाइल नंबर वहाँ पे एंटर कीजिए सर सबसे पहले। सर हमको इतना कुछ आता ही नहीं है सर। सर ये मोबाइल, ये फोन पे नंबर है ना सर आपका? सर 7-0-8। हाँ सर, ये नंबर यहाँ पे एंटर कीजिए जहाँ पे मोबाइल नंबर लिखा है, एंटर कीजिए सर। एक सेकंड। एंटर किए सर? एक सेकंड सर, फोन पे में अभी एक नोटिफिकेशन आया है जी सर। पहले मोबाइल नंबर को एंटर कीजिए आप। हाँ सर कर दिया, उसके बाद? उसके बाद वहाँ पे आ रहा है सर फोन नेम। सर हमको तो पढ़ने उड़ने आता भी नहीं है सर। आपका नाम जो है सर, अपना नाम लिखिए वहाँ पे। सर हम कुछ नहीं, हमको पता है सर, मेरा सब लड़का लोग करके देता है सर। सर नाम लिखिए सर, अपना नाम नहीं लिख सकते सर। मेरा अकाउंट भी कोई और खोल के दिया था सर, मैं आपको कैसे समझाऊं? इतना जानता तो सर अभी मैं बैंक में चला गया होता। कैसे होगा सर आप बताइए, मैं रिफंड कैसे करूं सर? फोन पे में नहीं आ पाएगा सर डायरेक्ट, ये मेरा फोन पे कैसे जाएगा सर? जब तक आप कंप्लेंट नहीं करेंगे तब तक कैसे जाएगा सर? वहाँ पे लिंक में देखिए पूरा सर, वहाँ पे क्या लिखा है। तो सर मुझे तो नाम हम कुछ नहीं आता है सर, मैं तो काम करने वाला आदमी है सर हम लोग। लिंक को ओपन करने के बाद नंबर लिखने के बाद नेम आएगा, नेम नंबर देखिए वहाँ पे नीचे में क्या आ रहा है वो लिखना होगा ना। नंबर तक तो जानता हूँ सर, लेकिन और उसके बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आता है सर। मैं मतलब पढ़ाई लिखा नहीं ना सर, मैं दुकान में काम करता है सर, अभी हम जाएगा दुकान में। अब बच्चा लोग गया है ट्यूशन सर, नहीं तो उन लोग से हम करा देता, लेकिन उनको भी नहीं आएगा सर, लेकिन नाम वाम तो मेरा वो लोग लिख लेता है। अब सर आप ही जानिए क्या करना पड़ेगा सर, बैंक में जाना पड़ेगा। बैंक में जाने से कैसे, अभी यहाँ से हम कर देते ना रिटर्न। तो क्या बोलूं सर, मुझे इतना कुछ आता ही नहीं है।
आपका नंबर सर फोन पे का नंबर मतलब कितना सर मतलब मुश्किल से मिला है, फेसबुक में से खोजा, उसके बाद कहाँ कहाँ से खोजा, गूगल पे खोजा सर, तो फेसबुक से मिला है फिर। जी जी सर। कल से ही परेशान हूँ सर। तो सर मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ सर कि आपको लिंक में वहाँ पे नाम लिखना होगा, नंबर के बाद नाम लिखना होगा, फिर आपको वहाँ पे अमाउंट जो आपका पेंडिंग हुआ है अमाउंट लिखना होगा, फिर वहाँ पे कंप्लेंट डिटेल्स आएगा, कंप्लेंट वहाँ पे करना है। इतना कुछ तो नहीं आता है सर, नहीं तो मैं अभी कब का ही कर दिया होता सर। इतना सर थोड़ा सा तो काम ही है सर, आप इतना कुछ बोल रहे हैं। थोड़ा सा सर, आप तो पढ़े लिखे हैं सर, आपके लिए तो थोड़ा सा लग रहा है ना सर, जो पढ़े लिखे नहीं है उनको कल लिखने में भी दिकदारी होता है सर, जानते हैं ना। तो फिर रिफंड कैसे करूं सर, अब बताइए आप मुझे। अब तो सर ये तो आप ही जानते हैं कैसे होगा। फोन पे से बैलेंस को पैसे भेजने जानते हैं ना फोन पे से। हाँ 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 सर जानता है पैसा लाइन पे। हाँ इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है दोस्तों मेरे सामने, देखते हैं अभी कौन सा टेक्निक ये यूज करता है, कौन सा फॉर्मूला यूज करता है, आप लोग देखते रहो। हेलो सर जी। हाँ जी सर। सर जी देरी है सर, अभी हो रहा है सर, लाइन पर ही है सर, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है सर, हमको दुकान जाना है, जल्दी कीजिए सर। फोन पे को ओपन कीजिए, अपना फोन पे को ओपन कीजिए। फोन पे जी ओपन कीजिए। हाँ हाँ ओपन किए। हाँ ओपन कर दिया सर। ओके रुकिए। सर देखिए वहाँ पे टू कॉन्टेक्ट टू अकाउंट लिखा है सर, पहला नंबर ना सर टू कॉन्टेक्ट। हाँ क्लिक कीजिए। टू कॉन्टेक्ट पे क्लिक करना है सर। हाँ टू कॉन्टेक्ट पे क्लिक कीजिए। अच्छा उसके बाद क्या करना है सर? उसके बाद वहाँ पे यूपीआई आईडी आ रहा है सर, टू कॉन्टेक्ट में जाएंगे। आईडी आ रहा है सर वहाँ पे लिखा हुआ। हाँ आरएम नाम से एक कुछ आया है सर। यूपीआई आईडी नहीं सर, ये आरएम के नाम से कुछ आया है। देखिए सर टू कॉन्टेक्ट बैक कीजिए, पहले बैक कीजिए एक बार। होम पे का होम पेज पे आ जाइए। हाँ हाँ टू कॉन्टेक्ट में क्लिक कीजिए। हाँ उसके बाद ऊपर में सर्च आ रहा है सर, सर्च सर्च सर्च। हाँ मोबाइल नंबर मारना होता है वहीं पे क्या सर? सर्च आपका आ रहा है ना सर? हाँ 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 वहाँ पे लिखिए सर, सर्च में लिखिए 83 क्या सर? हाँ सर्च में लिखिए, देखिए 83 F3 83 83 लिखे 83 हाँ लिखे। उसके बाद 70 उसके बाद 81 39 74 at the rate हाँ उसके बाद AI RT EL Airtel हाँ सर। हाँ सर मारिए एक सेकेंड सर। देखिए सर वहाँ पे सर्च करने के बाद क्या आ रहा है सर? वेरीफाई कीजिए। निकनेम सर नजमी आलम दिखा रहा है। जी जी क्लिक कीजिए उसको। निकनेम दिखा रहा है सर, निकनेम निकनेम आ रहा है ना, क्लिक कीजिए सर वहाँ पे। हाँ क्लिक कर दिया सर। क्लिक कर दिए, अभी क्या आ रहा? अभी कुछ नहीं आ रहा है सर, सेव आ रहा है सर। निक नाम में क्लिक करने के बाद नजमी आलम दिखा रहा है सर, उसके बाद नीचे सेव का ऑप्शन आ रहा है।
देखिए सर, निक नेम में अपना नाम लिखिए सर। अपना नाम सर, नाम निक नेम में अपना नाम लिखिए सर। अपना बेटा का नाम लिख दूं तो हो जाएगा? ओके सर, हो जाएगा। हाँ सर, अभी उसके बाद क्या आ रहा है सर वहाँ पे? अभी सर यहाँ पे आया है, एक सेकंड में दिखा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। एक सेकंड सर, एक सेकंड। यहाँ पे सर एंटर अमाउंट। जी सर। हाँ एंटर अमाउंट में सर जीरो लगाइए पहले। हाँ जीरो सर, जीरो तो काम ही नहीं कर रहा है। जीरो वहाँ पे शो नहीं करेगा सर। अच्छा हाँ, इसके बाद सर? जी सर, देखिए वहाँ पे आपको वाउचर आईडी नंबर कंपनी के एंटर करना है, जिसके द्वारा आपका अमाउंट रिफंड होगा, ठीक है ना? आपका टोटल रिफंड मनी कितना है सर? 2000 रुपया सर। 2000 रुपये ना सर, उसके द्वारा आपका वाउचर आईडी नंबर वहाँ पे एंटर करने पड़ेंगे सर। जीरो एंटर कीजिए, जीरो आपका सिक्योर में रहेगा, जीरो आपका शो नहीं करेगा, ठीक है ना? वाउचर आईडी नंबर एंटर कीजिए जीरो। हाँ जीरो। उसके बाद एंटर कीजिए सर नाइन नाइन जीरो जीरो एट एट नाइन नाइन। जी सर, उसके बाद देखिए वहाँ पे नीचे में प्रोसेड होगा, प्रोसेड कीजिए। सर हेलो। हाँ जी सर बोलिए। एक सेकेंड रुकिए ना सर, एक आदमी आया, मैं उसको थोड़ा वेट करने को बोल दूँ सर, एक सेकेंड। हाँ हाँ हेलो सर। हेलो। हाँ क्या करने को बोले थे सर, मैं भूल गया। देखिए सर वहाँ पे जो आपको आ रहा है एंडर अमाउंट, हाँ एंडर अमाउंट में आपको कंपनी के वाउचर आईडी नंबर एंटर करना है, जिसके द्वारा आपका अमाउंट रिफंड होगा, राइट सर? अच्छा जी, तो वहाँ पे आप एंटर कीजिए सर 09089। एक सेकंड सर रुकिए, 09 था सर, 090 089 था। एंटर कीजिए सर। हाँ हाँ, उसके बाद देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसेड या सेंड। हाँ सर, सेंड का ऑप्शन आ रहा है। हाँ सेंड पे क्लिक कीजिए। एक सेकंड सर, दोस्तों अगर मैं अभी सेंड पे दबा के और पासवर्ड मार देता हूँ तो ये 089 जो भी पैसा है सब कट जाएगा मेरे अकाउंट से, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं, और आप लोग भी कभी मत करना, आप लोग देखते जाओ। अभी सेंड पे टिपना है? हाँ हाँ सेंड पे क्लिक कीजिए। अच्छा सेंड पे क्लिक कर लिए सर। हाँ सर, ये बैगनी रंग का जो सेंड दिखाई दे रहा है यही ना सर? सेंड पे क्लिक कीजिए। तो सर ये सेंड मतलब तो मेरे अकाउंट से इतना कटेगा ना सर? सेंड का मतलब भेजना? नहीं नहीं कटेगा नहीं, आपका वहाँ से वाउचर आईडी नंबर एंटर हुआ है, वाउचर आईडी नंबर द्वारा आपका अमाउंट रिफंड होगा, फर्स्ट टाइम आपका फेल होगा, ठीक है ना? फर्स्ट टाइम फेल होने के बाद उसके बाद प्रोसेस आपका वहाँ पे आएगा, प्रोसेस में ओके कीजिएगा, आपका अमाउंट जो उसके बाद चेक कीजिएगा, अमाउंट आपका रिफंड मिलेगा, ठीक है? अच्छा जी, सेंड पे क्लिक कीजिए। तो सर मैं ऐसे अगर करूंगा तो मतलब किसी को भेजना होता है तभी मतलब? जी जी, किसी को भेजना होता है ना उस टाइम ऐसा प्रोसेस करते हैं, बट यहाँ से जो आपका वाउचर आईडी नंबर अभी आपने एंटर किया ना, वाउचर आईडी नंबर थ्रू आपका अमाउंट रिफंड हो रहा है, राइट सर? अच्छा ठीक है सर, तो मैं अभी सेंड पे क्लिक करूँ ना? जी सेंड पे क्लिक कीजिए। ठीक है सर, क्लिक किया। उसके बाद क्या आया सर प्रोसेस में? एक सेकेंड सर, घूम रहा है, 2G चल रहा है ना? जी एक सेकेंड सर, दोस्तों अगर मैं पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर देता हूँ तो इतना 9000 कितना कितना था ये सब पैसा कट जाएगा, आप लोग ऐसा कभी मत करना, ये रिस्क मैं आप लोगों के लिए उठाया हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कुछ मत करना यार, बस शेयर कर देना वीडियो को, ताकि हर किसी को पता चले कि फोन पे फ्रॉड कैसे होता है। हाँ सर, क्या है सर वन प्रोसेस? रुकिए सर, पासवर्ड दिखा रहा है सर। अपना जो आपका पासवर्ड है ना, यूपीआई पासवर्ड, हाँ उसको एंटर कीजिए सर। पासवर्ड, अगर पासवर्ड दे दूंगा तो सर ये पैसा मेरा कट जाएगा? नहीं नहीं, पैसा नहीं कटेगा, डोंट वेरी सर, ओके? दिस इज फोन पे कस्टमर केयर सर्विस से, ओके? आपका नाम क्या है सर? जी सर, मैं विश्वनाथ मलिक बात कर रहा हूँ सर।
नहीं सर, ऐसे तो पैसा कट जाता है ना। डोंट वेरी, आपका एक भी रुपए पैसा नहीं कटेगा, मैं अभी कॉल पे हूँ ना सर, डोंट वेरी। ओके सर, मां कसम खाइए पैसा नहीं कटेगा। सर भगवान कसम खा के बोल रहा हूँ सर, आपका पैसा नहीं कटेगा सर। मां कसम खा के बोलिए सर। देखिए सर, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ सर कि देखिए, आपका एक भी रुपए जितने भी आपका अमाउंट है सर, एक भी रुपए आपका अमाउंट नहीं कटेगा, डोंट वेरी सर। ओके, सर कसम खाइए एक बार, पैसा नहीं कटेगा सर। मैं कसम तो खा के बोल रहा हूँ सर, गॉड प्रॉमिस सर। ओके, आपका नाम क्या है सर? विश्वनाथ मलिक सर। अगर आपको देखिए सर, यहाँ से कोई भी दिक्कत होगी सर, तो हमारी कस्टमर केयर यहाँ सर रहेंगे नहीं सर। कस्टमर केयर में सर, जैसे कि आपका प्रॉब्लम को पासवर्ड कभी एंटर नहीं करना है दोस्तों, आप लोग इतना प्रोसेस करना ही नहीं है। सर सर एक सेकंड सर। हेलो, हाँ जी सर। सर जी एक सेकंड। हाँ जी दोस्तों, आप लोग भूल के भी फोन पे फ्रॉड या फिर कोई भी सर, अगर ज्यादा लेट होगा तो फिर होगा। एक सेकंड सर, मैं देख रहा हूँ एक सेकंड। अगर आपको ऐसा कॉल या कुछ भी आता है तो आप लोग को पूरा अच्छा से आशीर्वाद दे के आप लोग को कॉल काट देना है, ना कि आपको वो जैसे जैसे बोलेंगे वो। हेलो जी सर, एक सेकंड सर, मैं थोड़ा सोच रहा हूँ सर। देखिए प्रोसेस जो यहाँ से आपका मिल गया होना सर, अच्छा सर जी, क्यों करते हैं आप लोग ऐसा लोगों के साथ? क्या बोले आप लोग ऐसे लोगों के साथ क्यों करते हैं सर? अभी इतना खराब कोरोना महामारी चल रहा है, आप लोग पैसा लूट लेते हैं सर। आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा, प्रोसेस तो कीजिए, वहां से फेल होगा। बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो सर आप। मैं आपको बताया कि सर मैं एक मजदूर हूँ, मुझे दुकान पे काम करने जाना है। जी सर आपका आपका साथ कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, आप वहाँ से प्रोसेस कीजिए। नहीं सर, एक्चुअली देखिए, सेंड का मतलब ये होता है कि पैसा आपके अकाउंट से कट जाना, और इतना मुझे भी मालूम है कि अगर कहीं से पैसा आना हो तो किसी भी प्रकार का पासवर्ड एंटर करना नहीं होता है सर। तो सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँ। आप ये बताइए सर, आप कस्टमर केयर से बात कर रहे हैं सर, अगर कस्टमर आप है या हाँ मैं सर बताइए। मुझे पता नहीं सर आप कस्टमर केयर है या क्या है। नहीं सर, आप तो फोन पे यूजर है सर, कस्टमर काम है सर। एक बात बताइए सर, आप हमसे बेहतर आप जानते हैं क्या सर? एक बात बताइए सर जी, अभी कोरोना का महामारी चल रहा है, लोग कितना मुसीबत में है सर, लोगों के घर पे खाने के लिए राशन नहीं है सर, आप लोग ऐसा क्यों करते हो सर? किसी के घर कोई हॉस्पिटल में कोई एडमिट है, किसी के घर पे शादी है या फिर कोई बीमार है सर, आप लोग पैसा इतने आसानी से एक झटके में लूट लेते हो यार, ऐसा क्यों करते हो आप लोग? अभी सर आप प्रोसेस करेंगे या नहीं करेंगे सर, ये बताइए सर। एक बात पता है सर, मैं आपका लाइव वीडियो बना रहा था, इसने कॉल काट दिया। और एक बार ट्राई करके देखता हूँ दोस्तों, और एक बार ट्राई करके देख रहा हूँ ये क्या बोलता है। तो देखा आप लोगों ने फोन पे फ्रॉड कैसे होता है। दोस्तों मुझे पता है ये फोन नहीं उठाएगा, और मैं आप लोग को एक बात बता दे रहा हूँ कि अगर आप लोग को किसी भी इस तरह का फोन पे से कॉल आता है तो आप लोग को बिल्कुल इनका बात नहीं सुनना है, और आप लोग को फोन पे कस्टमर केयर का ओरिजिनल नंबर चाहिए तो नंबर मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके फोन पे कस्टमर केयर को कॉल करके आप आसानी से अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद अगर कोई भी आपको इस तरह से बोले कि आप अपना ये बताओ आपके अकाउंट में बैलेंस कितना था, ये था वो था, आप लोग को कुछ नहीं बताना है दोस्तों। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि इन लोगों को अगर आप बोलोगे कि गूगल पे कस्टमर फोन पे, ये आप कुछ भी बोलो, पेटीएम कस्टमर फोन पे, गूगल पे,
कुछ भी बना लो ये बन जाएंगे, कोई भी कस्टमर बन जाएंगे और मतलब वहीं से अपना ये फिर धंधा चालू कर देंगे। तो दोस्तों आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं करना है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और इस वीडियो को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ मत करिए, ओनली शेयर कीजिए ताकि हर किसी को पता चले कि फ़ोन पे फ्रॉड कैसे होता है और फ़ोन पे फ्रॉड से कैसे बचना है। दोस्तों ये वीडियो मैंने बहुत ही रिस्क उठा के बनाया है आप लोगों के लिए, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तो मिलते हैं फ्रेंड्स कोई अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।